सर्वेक्षण नमस्कार, अरुण सर स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको मैंने स्पीड डिस्टेंस और टाइम के रिलेटेड जो बेसिक पढ़ाया था उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक क्लियर करवाएंगे अच्छे से। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, उन्हें बोला है कि एक पर्सन है, एक पर्सन क्रॉस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। इस प्रश्न का क्या मतलब है कि कोई एक बंदा है, एक आपके पास भी गली है, वो पास करता है, लंबी कितनी है वो 600 मीटर लंबी है, वो पास करता है 5 मिनट में, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसका जो फाइंड करना है किलोमीटर पर हावर्स के रिलेटेड उसको फाइंड करना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने 600 मीटर अपॉन टाइम। देखो भाई टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो देखो भाई, अब देखो भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 65 जा 30, 30 में 30 32 जा जाएगा 2 मिनट पर सेकंड आपका जो हुआ, पर ऑप्शन में कोई 2 नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स। देखो भाई स्पीड इज इक्वल टू 2, जब मैंने आपको बताया मिनट पर सेकंड ना होगा उसको कन्वर्ट करने किलोमीटर पर आवर्स किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 82 जा 36 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको डिवाइड कर लोगे 7 5 35 7 के रिलेटेड कोई आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, जे देखो जे मीटर पर मिनट कोई नहीं होता, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन वॉक 40 किलोमीटर पर हावर्स, कोई बंदा है वो 40 किलोमीटर पर हावर से चलता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर हावर ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। अगर वो क्या करता है अपनी स्पीड को थोड़ी सी तेज कर लेता है, क्या कर लेता है वो 10 किलोमीटर पर हावर से चलता है, अगर वो इसकी स्पीड से चलता है वो क्या करता है 20 किलोमीटर पहले के बजाय वो ज्यादा चलता है, तो बताओ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, वो एक्चुअल में दूरी पहले कितनी तय करता होगा। अब देखो भाई जो होगा 50 56 70 80, ये अब इससे पता नहीं चलेगा, हम बताएंगे। देखो भाई आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो भाई अब देखो भाई स्पीड क्या है थी पहले 14 किलोमीटर पर हावर, अब देखो अब क्या होगी इसलिए अब मैं मान लेता हूं उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या था, मैं उसका डिस्टेंस मान लेता हूं कितना ट्रेवल किया था उसने एक्स, ठीक है। अब अगर इधर से टाइम निकालू, टाइम इसके बराबर होता है, टाइम होता है तो देखो भाई जब टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसके लिए अब देखो भाई डिस्टेंस को क्या मान लिया है एक्स, देखो भाई टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया मैंने मान लिया उसको एक्स अपॉन में, स्पीड पहले वाली कितनी है एक्स अपान है, देखो पहले क्या है एक्स डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है 10, जो दूरी तय कर रहा है वो चलता है 14, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 14 × x 14 × 10 × x 10 की मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 200। देखो 14 है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x = 200, इनमें से माइनस किया तो 4x = क्या हो जाएगा 200, तो 4x = हो जाएगा 200, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 50 जो कैंसिल हो जाएगा, x = आ जाएगा 50। देखो 50 किलोमीटर है जी आपका आंसर आ जाएगा 50। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।